आगे बढ़ेंगे तो खाकी के वसूली भाई, ये नाम सुनकर आप चौंके मत। दरअसल रिश्वत समाज का वो नासूर है जिसकी जड़ें सरकारी महकमे में बहुत गहरी होती जा रही है। गाजीपुर में पीआरडी जवानों से ड्यूटी के नाम पर वसूली हो रही है, जिसका खुलासा खुद पीआरडी के जवानों ने किया है और इसके बाद तो विभागीय अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गाजीपुर में सरकारी अधिकारियों पर संगीन आरोप लगे हैं। ड्यूटी के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। पीआरडी के इन जवानों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कई पीआरडी जवान एक साथ होकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पीआरडी जवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। इन जवानों का कहना है कि ड्यूटी लगाने के नाम पर इनसे 1000 रुपए की वसूली होती है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी वसूली करते हैं, अंडर एज दिखाकर ड्यूटी से बाहर कर दिया जाता है और ड्यूटी देने के नाम पर 5000 रुपए की वसूली की जाती है। कोई कब तक किसी को रिश्वत देता, कब तक अपमान का घूंट पीता और आखिरकार पीआरडी जवानों के सब्र का बांध टूट ही गया, जिसके बाद सभी ने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया। मामला ऐसा, कोई किसी की लगातार ड्यूटी चल रहा है, किसी का साल में 4 महीना चल रहा है, 1000 रुपया प्रति महीना वसूली की जाती है। अनिल गोस्वामी है वरिष्ठ लिपिक, और जो पैसा नहीं देता है उसकी ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जाती है कि विलम्ब से ड्यूटी करे आए और ड्यूटी न कर सके। ड्यूटी लगाने के संबंध में सर, वो जो पैसा नहीं देते हैं 2-2 महीना ड्यूटी करते हैं, अगर पैसा देते हैं तो 2 महीना करते हैं, नहीं देते हैं तो घर बैठे रहते हैं। इससे पहले 2 महीना में ड्यूटी किए बैठे थे, 2 महीना ड्यूटी किया फिर 2 महीना बैठे, पैसा नहीं दिए तो 2 महीना फिर बैठे। कितना पैसा देना पड़ रहा है? 2000। और 2 महीना के बाद में ये लोग पैसा के लिए बोले, पैसा हम नहीं दिए और हमारी ड्यूटी काट दिए। कौन लोग? सोनू है और राजेश है और जोगिंदर बाबू। कहने पर कहते हैं कि जाओ अपने बीए से बात करो, बीओ हमारे साहब नहीं है, ट्रेनिंग में चले गए। सुन लिया आपने, अपने विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाने वाले ये पीआरडी के जवान कितने बेबस और लाचार हैं। ड्यूटी के नाम पर कैसे उनसे वसूली हो रही है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचना लाजमी है। पीआरडी जवानों के आरोपों पर मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से बात की है, कुछ आरोपी कर्मचारियों को पद से हटाने के लिए लिखा गया है। 2 कर्मचारियों के विरुद्ध मैंने कार्रवाई के लिए और शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए भी मैंने लिखा है, ताकि उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए या कार्रवाई की जाए। और जो पारदर्शिता ड्यूटी लगाए जाने में होनी चाहिए थी, उस पारदर्शिता के सुनिश्चित करने के लिए मैंने जो प्रभारी इनके DOPVD हैं उनको मैंने निर्देश दिया है और साथ ही उनसे पूरा विवरण भी मांगा है कि उनके द्वारा अब तक जो ड्यूटियां लगाई जा रही थी वो किस प्रकार से लगाई जा रही थी, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, वो सारी चीजें की जाए। पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के साथ ही सुरक्षा के लिए पीआरडी जवानों की तैनाती की जाती है, जिनकी जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग पर है। पीआरडी जवानों को एक दिन की ड्यूटी के एवज में 395 रुपए का भुगतान किया जाता है और 2 महीने तक ड्यूटी के बाद ही ब्रेक मिलता है। ऐसे में उनसे 1000 और 5000 की वसूली करना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। गाजीपुर से ABP गंगा के लिए अनिल की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।